बहुत सारे ब्रांड भी आ गए अभी ग्रैंड वेस्टर्न जल्दी ही एक दो और। सोनू सूद तो यार बहुत अच्छा, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, जेंटल आदमी है, आज का नहीं है, हम शुरू से ही ऐसा था, ये तो दुनिया को अब एक्चुअली समझ आया कि वो क्या था सोनू सूद। सोनू सूद सर से आपको बहुत जल्द मौका मिलेगा। देखो गुलशन भाई जा रहे हैं अभी अगली रोड ट्रिप के लिए, पहले तो 45 डे रोड ट्रिप हमने साथ में ही की, सोनू सूद के लिए एक एस बनाया था वो आपको। ये वो हैं जो सोनू सूद के साथ में पड़े हुए हैं, रागी भाई का ऑटोग्राफ लेंगे जो कि मेरे साथ पहला ऑटोग्राफ मेरे को मिलेगा। हंसेंगे ये लोग जब मैं अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मतलब मैंने किसी के बारे में कुछ लिखा इतना। और भाई साहब ये देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारे अजमल भाई, अस्सलाम वालेकुम, और ये है हमारे प्रू राज सिंह, और कामचोर कामचोर है नहीं, कामचोर काम से काम बहुत करते हैं भाई साहब ये तो देख सकते हैं दोस्तों। और ये है कनॉट प्लेस यहाँ का, और यहीं पर जो है हमारी हम सब के देश की नंबर वन ऑफिस है, अपना देश का नंबर वन सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर वाले हैं दोनों भाई हमारे, और ऑफिस भी जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, फिर आपको ही बताएंगे। ऑफिस जाने के पहले थोड़ी पेट पूजा करते हैं, लंच का टाइम हो गया है। हाँ, भाई हमसे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आए तो इनको मैं काफी आपको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, है ना, असल में इनसे बात हुई थी पहले। हाँ, पहले पूरू भाई से बात हुई थी। बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि अजमल भाई हैं, मैंने बोला कि अजमल भाई उस टाइम में उतना नहीं जानता था। दो दिन पहले ना श्रीलंका की एक मेरे पास वो वीडियो आई थी मस्जिद की, वो जो नहीं था सुनहरी रंग की नहीं तब, हाँ तब मुझे लगा कि हाँ हाँ यार एक वीडियो तो आई थी मेरे पास, किसी बंदे ने बनाया था, तो वो फिर आप ही थे। ठीक है, अभी खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर और बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे भाई भी खा रहे हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है हमको, और हमने नॉनवेज छोड़ रखा है तो हमको खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। छोड़ रखा तो मज़ा आ रहा है। और ये भी है, तो ये क्या है? ये चिकन टिक्का कुछ है, चिकन टिक्का है दोस्तों, अभी बिरयानी भी हमारी आने वाली है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है कनॉट प्लेस में मुगलई में, बड़ा ही मजा आया। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये है एक्सप्लोजर वाली बिल्डिंग, बोर्ड कहीं पर लगा हुआ नहीं है, लेकिन अभी बहुत जल्द जो है एक्सप्लोजर की बहुत ही बड़ी ऑफिस बनने वाली है ना। और ये हमारे पुरू भाई हैं, और पुरू भाई ऊपर चले हम लोग अभी, बिल्कुल चलिए लेट्स गो। किस फ्लोर पे है? फर्स्ट फ्लोर पे ही है। फर्स्ट कौन सा ब्लॉक है ये वाला? बी ब्लॉक, ये बी ब्लॉक है दोस्तों। और ये लोकेशन एड्रेस क्या होगा इसका, थोड़ा एड्रेस बता दो। बस बी ब्लॉक की कनॉट प्लेस, बी ब्लॉक में आना, कनॉट प्लेस से एक्सप्लोजर डालना, आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो। फर्स्ट फ्लोर है कौन सा है? यस फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का ये ऑफिस है, ये ऑफिस है अपनी एक्सप्लोजर की। और ये देखो ये एक्सप्लोजर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सोनू सूद मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, बाकी यहाँ के बंदे लोग जो है ना मिल सकते हैं। अंदर चलते हैं, और ये है पूरी अपनी ऑफिस यहाँ से कंप्लीट। तो दोस्तों फाइनली देखिए हम पहुँच चुके हैं एक्सप्लोजर ऑफिस में, ये रिसेप्शन यहाँ का है, और ये एंट्री गेट है कोवर्क स्पेस है फिलहाल। और ये जो पूरी ऑफिस देख रहे हैं ये कंप्लीट एक्सप्लोजर है, ये देख सकते हैं दूर पे जो है ना आपको एक्सप्लोजर का एक लोगो भी यहाँ पे दिख रहा है। साथ में हमारे ये प्रू भाई हैं, और प्रू भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे मिलके, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम अभी रागी भाई का ऑटोग्राफ लेंगे जो कि मेरे साथ पहला ऑटोग्राफ मेरे को मिलेगा। हंसेंगे ये लोग जितने मेरे ऑडियंस वाले हैं वो बोलेंगे। देखो हंसने की कोई बात नहीं, देखो हर एक आर्टिस्ट हर एक क्रिएटर को ना ये मौका मिलना चाहिए जीवन में, मेरे को ऐसा लगता है। बात तो सही है, इसलिए मैं अभी ऑटोग्राफ लूँगा, तो मैं आपको अभी बताएंगे। देखो आपने ऑटोग्राफ भी नहीं देखा होगा अभी, रिपीट माइल्स का हम बताएंगे तो अभी अभी दोस्तों ये मतलब इनसे कई टाइम से मेरी बात हो रही है, कई टाइम से मैं इनको जानता भी हूँ। हम लोग कॉन्टैक्ट कहाँ पे किए थे? एक्सप्लोजर पे कॉन्टैक्ट किए थे। हाँ, एक घंटे की बात हमारी हुई, और इन्होंने बताया भी नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, मतलब क्या करते हैं, बस हाँ कॉन्टेंट क्रिएटर हैं ये वो। जब फ़ोन हो गया ना मैंने बोला कैसे मिले फिर आपसे, तो बोलते हैं कि आप आज सी पी आ जाना, मैंने बोला कि ठीक है बस सी पी आ जाएंगे। सी पी में कहाँ? तो बोलते हैं एक्सप्लोजर ऑफिस। मैंने बोला एक्सप्लोजर ऑफिस, हाँ हाँ मैं एक्सप्लोजर में जॉब करता हूँ ना। मैंने बोला कि अरे भाई बड़े आदमी। उसके बाद से तो हम बोले कि अब तो मैंने, और उनसे कब मिलवा दो? सोनू सूद सर से। सोनू सूद सर से आपको बहुत जल्द मौका मिलेगा। देखो अभी शायद अगले महीने भी हो सकता है मौका मिल जाए, क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने वाले, सेकंड ईयर एनिवर्सरी है उसमें आएंगे वो। हाँ ओके, तब तो भैया सोनू सूद सर से मिलेंगे, भाग खुल जाएगा बस भाग। अब एक और कौन थे सोनू सर के दोस्त हैं कोई वहाँ पे, ये जो फ्रेंड है उनके, ये फ्रेंड उनके फ्रेंड है, ये उनके फ्रेंड, इनका वीडियो बना सकते हैं ना? चल बना सकते हो ना, थोड़ा अंदर मिल लेते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों टीम से भी मुलाकात करवाते हैं थोड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एक रूम है यहाँ पे,
अंदर में क्या चला है? ये हमारे अजमल भाई कुछ सिखा भी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुलशन कोहली जी को सिखा रहे हैं शूट करना, क्योंकि वो अगले ट्रिप पे जा रहे हैं। और ये वो हैं जो सोनू सूद के साथ में पड़े हुए हैं, और इन्होंने मैप पे एस भी बनाया है उनके लिए। दोस्तों ये सोनू सूद सर के दोस्त हैं। अजमल भाई क्या कर रहे हैं आप? बस गुलशन भाई जा रहे हैं एक रोड ट्रिप। गुलशन भाई जा रहे हैं अभी अगली रोड ट्रिप के लिए। पहले तो 45 डे रोड ट्रिप हमने साथ में ही की। सोनू सूद के लिए एस बनाया था, वो आपको वो आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे। तो एक उन्होंने वो ट्रिप की थी, और अभी एक और किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी ट्रिप पे जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में उसका सस्पेंस ओपन करता हूँ। वो बताएंगे कि किस टाइप की ट्रिप है। तो अभी उस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कुछ गैजेट्स हैं हमारे पास, तो हमने सोचा कि इनको, जैसे ये गिम्बल है तो शायद उनको ट्रिप में काम आएगा स्मूथ वीडियोज़ वगैरह बनाने, तो बस वही उनको थोड़ा बता रहे हैं कैसे इसको यूज़ करें। एक्सपीरियंस सोनू के साथ, सोनू सूद तो यार बहुत अच्छा, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, जेंटल आदमी है। आज का नहीं है, शुरू से ही ऐसा था। ये तो दुनिया को अब एक्चुअली समझ आया कि वो क्या था सोनू सूद। अजमल ने तो देख लिया जब मिले सब चीज़ें, मतलब सो वो ऑलवेज हेल्पफुल 24 आवर्स 24 घंटे 365 डेज। और अब बात इसकी करें गैजेट्स की, तो देखिए मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं थी। हम तो जब ट्रिप पर गए अजमल के साथ, तो थोड़ा बहुत इसको देखा करते हुए सीखा। और अब एक सोलो शॉटो ट्रिप हस्बैंड वाइफ का हमारा है, कार ट्रिप से जा रहे हैं, तो बेसिक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चाहिए, तो उसी के लिए समझने के लिए आए थे। ये हमारे टीचर हैं इसमें। इज़ वेरी हेल्पफुल। देखो मैं और तो ज़्यादा ही इतना जानता हूँ, ये इज़ वेरी गुड ह्यूमन। क्योंकि आप जिसके साथ एक बार 45 डेज स्पेंड कर दो ना, तो आपको समझ आ जाती है कि वो कैसा होगा बंदा। अच्छा इंसान है, नोबल ह्यूमन है। अब बाकी उसका बताइए थोड़ा, एस आप लोगों ने जो एस का बनाया था वो क्या था, उसका एक्चुअली क्या था? हमारा वो कंसेप्ट था, हमारी उसकी टैगलाइन थी मैं भी सोनू सूद। अब मैं भी सोनू सूद एक सिर्फ टैगलाइन नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। मैं खुद जब अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं भी सोनू सूद जैसा बन गया। सो यही है बस उसका फंडा। तो यही हमने लोगों को बताने की कोशिश करो यार। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, हेल्प सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। आप किसी को रास्ता दिखा दें, ये जो मुझे अभी अजमल ये समझा रहा है, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हेल्प। करेक्ट। सो ये क्या होता है, ये हमें आपस में ह्यूमन बीइंग्स को इतना होना चाहिए। हाँ। यार अगर मुझे कुछ समझ आए तो मैं समझाऊं, अगर मतलब गिव एंड टेक, छोटी छोटी बातें हैं बहुत मैटर करती हैं। हाँ, रास्ते से लाइफ बहुत इजी हो जाती है भाई। आप किसी की हेल्प करते हैं तो वैसे ही अच्छा लगता है, चला यार मैं। अच्छा फिर एक चीज हो रहा है, आपकी खुद की भी समझ बढ़ती है। सही बात, बहुत अच्छी चीज है हेल्प करनी। ये सिखला रहे हैं यहाँ पे पूरा सेटअप वेटअप लगा करके, और वहाँ पर थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं चल करके। भाई साहब हमारे बैठे हैं किनारे। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग के अंदर। तो गाइस मैं बेसिकली ना, मैं ना हर क्रिएटर, मतलब कोई भी आर्टिस्ट, तो मैं ना उसका ऑटोग्राफ लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। क्या मैं कहानी बता सकता हूँ, मतलब मैं बताऊँ कि मैं क्यों लेता हूँ? तो वो इसलिए क्योंकि ना मेरा ये मानना है कि अगर कोई आर्टिस्ट है ना, मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी आर्ट का नॉलेज है, उसको उसके लिए कुछ तो मिलना चाहिए। अब देखो आज के टाइम पे ना फॉलोवर्स और ये सब बहुत मैटर करते हैं भाई। कोई क्रिएटर है तो अगर आपके 1 लाख फॉलोवर है तो आप क्रिएटर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके 200 फॉलोवर है ना, लेकिन उसको आर्ट की नॉलेज है, तो उसके आर्ट की नॉलेज उसको है लेकिन लोगों को नहीं पड़ती, क्योंकि 200 फॉलोवर है लोग देखते हैं, 200 फॉलोवर है क्या देखें। तो मेरा यूँ है कि चाहे वो 200 फॉलोवर है, लेकिन अगर उसको आर्ट की समझ है, तो मैं उसका ऑटोग्राफ लूँगा उसके जीवन में पहली बार। उससे उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को जीवन में कुछ ना कुछ करना है। अगर मेरे पास कुछ होगा तभी इसने मेरा ऑटोग्राफ लिया होगा, वरना कभी नहीं लिया। तो आज हम राघव भाई का ऑटोग्राफ लेंगे। ये सही बात बोल रही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इनसे मिला था तो एक्सप्लोजर पे मेरे कितने होंगे, मुश्किल से 100 या 150 200 होंगे, लेकिन इन्होंने कांटेक्ट किया और अच्छा लगा भाई कि चलो पूछ रहा है, मतलब कोई पूछने वाला है ना, और इन्हीं लोगों के भी मदद से देखो आज चल रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। तब ये सब काम भी भाई साहब यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने अभी मुश्किल से ये 5 और ये 7 लोगों के ऑटोग्राफ लिए हैं टोटल अभी तक। हम भी डाल देते हैं, अब 8वें नंबर पे आप आएंगे यहाँ पर।
यहाँ पर कोई ना कोई मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखता है, ऑटोग्राफ देता है और अपनी आईडी लिखता है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके नाम से ज़्यादा वैल्यू उसके इंस्टाग्राम हैंडल की होती है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत सोच समझ के रखते हैं यूजर नेम, जैसे मैंने रख रखा है मेरा कामचो डॉट इन। लेकिन भाई कामचोल हैंडल है इनका, लेकिन यहाँ पे आके समझ में आ गया कि सबसे लीड यही कर रहे हैं, यहाँ पे काम बहुत है, इनके प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, ठीक है। तो नाम पे मत जाइएगा, नाम से सिर्फ फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेहनत बहुत करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपके बारे में, कुछ लिखना है अगर आप कुछ लिखना चाहो तो? नहीं नहीं, एकदम लिखेंगे भाई। ये राघव भाई का ऑटोग्राफ मिल चुका है हमको। और अब क्या लिखना है? प्रूव जो आप लिखना चाहो। मोजा है नहीं, जीनी की बात है। हाँ मोजा जीनी, इसके अंदर काफी सारे इसके कंट्रोल्स वगैरह है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है ऐप को और इसको, ये दोनों ब्लूटूथ। हाँ कम्युनिकेशन तो तभी होएगा I am very much impressed by his photography and video shooting skills. All photos and videos taken by him leaves a memory in my mind, something. I wish I could learn these from him. कैसा है राइटिंग, कैसी है मेरी? गंदा हो गया तुम्हारा? अरे मैंने इसीलिए ये पेपर रख रखा है ताकि गंदा ना हो। यहाँ पर आप आपका इंस्टाग्राम हैंडल लिख लीजिए @ करके। माय इंस्टा एक्सप्लोजर में होकर के तुम इंस्टाग्राम हैंडल मांग रहे हो यार? अरे तो सबका सेम ही तो होता है। अच्छा हैंडल, हाँ सेम ही है @ रैपिड माइल्स। ये रहा भाई, चलो अच्छा हो रहा है। मतलब क्या है, मेहनत करते करते रहना है, धीरे धीरे कर किसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, और क्या, ठीक है। अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मतलब मैंने किसी के बारे में कुछ लिखा इतना, है ना, मुझे किसी का फीडबैक देने में ज़्यादा मज़ा आता है। कोई अच्छा कुछ काम करे ना तो उसे वो करना चाहिए, मतलब उसे मोटिवेट करना चाहिए। हम ऑफिस में भी कोई बंदा अगर एक छोटा सा भी अगर काम कर देता है ना अपने यहाँ से, तो हम लोग उसको भी एक ईमेल लिखते हैं कि वेल डन। अगर सिर्फ आप वेल डन लिख दो ना, वेल डन प्रूफ, तो उसी से जो है ना एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मज़ा इसमें आया, ये जो लिखा है ना मैंने पैराग्राफ, राइटिंग मेरी गंदी है लेकिन तब क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है लिखने लिखने का हैबिट ख़त्म हो चुका है। हम लोग अब सिर्फ टाइपिंग करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसमें ज़्यादा मज़ा मुझे आया, ठीक है। ये ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ तो छोड़ो यार, वो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आया। और अभी अब कहाँ चलेंगे हम लोग, और किस और कोई टीम से मिले? हाँ ठीक है, शेख साहब बिजी हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ से लेकर शुरू हो रहा है, और ये क्यूबिकल है एक्सप्लोजर का, टर्निंग टू, दो साल होने वाले हैं टर्निंग टू, हाँ दो साल हो जाएगा अब। तो दोस्तों ये कंप्लीट था ब्लॉग एक्सप्लोजर का, और काफ़ी अच्छा। और ये बताओ यार, ये बताए नया नया क्या आने वाला है इसमें एक्सप्लोजर में, कुछ बता सकते हो? थोड़ा बहुत ऐसे तो बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं, लेकिन एक मोनिटाइजेशन का ऑप्शन आने वाला है, पक्का है ना, मिलेगा ना माल, बहुत पकड़ा मिलेगा ना, अमीर हो जाएंगे ना जैसे YouTube पे आए ना। अभी अपने पास अच्छा टाइम है क्योंकि अपन अभी कर रहे हैं ना, ऐसे मेरे को करना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा। अब सही है, अब सही है, ठीक है ना। तो अजमल भाई, हाँ।
ये कुछ पूछना चाहिए, ये बोलना है कि अब तो अमीर हो जाएंगे ना, पैसा मिलेगा ना अब कहाँ से, यहाँ से एक्सप्लोजर से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कंप्लीट था यहाँ का, और बाकी कुछ अब अपडेट वगैरह आते हैं। अपॉर्चुनिटीज होगी, जैसे इंस्टाग्राम भी ले लो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, जब नए नए जब प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो इनिशियली तो आपको कुछ गेन होता नहीं, बट जैसे जैसे आप ऑडियंस बनाते हो, फॉलोअर्स बनाते हो, फिर ब्रांड्स भी आते हैं। जब ब्रांड्स आते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ब्रांड कोलेब्रेशंस और वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी होगा। अभी आ भी गए, बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए, अभी जल्दी ही एक दो और कुछ इसी मंथ में एक दो कोलेब्रेशंस हैं जो ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं हमारे ऐप पे, जो ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो वो चीज़ें भी आ रही हैं, तो डेफिनेटली हो जाएगा सारा। एक चीज़ और बताना कि ये यहाँ पर कोई मिलने आना चाहे तो उसका क्या, कैसे कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है? मतलब यहाँ पे तो जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर है वो आना चाहता है, ऑफिस देखना चाहता है, टीम से मिलना चाहता है, तो बस हमें कॉन्टेक्ट कर ले। अगर मान लो कोई एक्सप्लोजर पे नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, चाहे यूट्यूब पे है, वो भी आ जाए, वो भी वेलकम है, बाद में तो हम एक्सप्लोजर का अकाउंट बनवा लेंगे वो तो आएंगे, उनको समझ आएगा तो ऐप तो डाउनलोड कर लेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएंगे। और बाकी आने के लिए क्या मतलब कुछ क्राइटेरिया की, ऐसे मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप बस कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर हमको फॉलो करते हो और हमको मैसेज कर सकते हो, बस आप ये क्राइटेरिया है। अब एक्सप्लोजर यूजर इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए। चलो तो दोस्तों ये था, और कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ नहीं तो सोशल नहीं, एक्सप्लोरर नहीं तो सोशल नहीं। तो दोस्तों ये था बड़ा बेहतरीन सा ब्लॉग आपका आज का, तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। अब मिलते हैं हमेशा एक और नई जगह पे किसी नए जज्बे के साथ, अब तक के लिए जय जय।